दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि धरती के साउथ पोल पर मौजूद अंटार्कटिका दुनिया का एक ऐसा हिस्सा है जहां ना तो कुदरत इंसान को पसंद करती है और ना ही इंसान कुदरत को। इसीलिए शायद अंटार्कटिका दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है, जहां पर कहा जाता है कि यहां एलियंस का ना सिर्फ बसेरा है बल्कि उनके द्वारा बनाया गया पिरामिड भी है। तो अगर आप भी इस खतरनाक जगह अंटार्कटिका के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। तो अब चलिए शुरू करते हैं इस बर्फीली जगह का सफर। अंटार्कटिका एक ऐसा महादेश है जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ अक्सर ही तेज और तूफानी हवाएं चलती रहती हैं। वैसे ये जगह दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है क्योंकि चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है, क्योंकि इस जगह पर रहने वाले इंसानों की संख्या बहुत ही कम है। वैसे देखा जाए तो यहाँ एक भी इंसान नहीं रहता है, इसीलिए इसे रहस्यमय भी माना जाता है। अंटार्कटिका विश्व का सीमांत महाद्वीप है और ये वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अद्वितीय है। यहाँ विभिन्न देशों द्वारा संचालित वैज्ञानिक अनुसंधान स्टेशंस हैं, जो कि अंतरिक्ष, जीव विज्ञान और मौसम की अध्ययन के लिए मशहूर है। इसके अलावा अंटार्कटिका में दिख रहे एक रहस्यमय पिरामिड ने इस जगह को और भी रहस्यमय बना दिया है। दरअसल सैटेलाइट ने अंटार्कटिका की एल्सवर्थ पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी भाग की एक तस्वीर खींची है जिसमें एक पिरामिड के आकार की छवि दिखती है। पिरामिड का नाम सुनते ही अक्सर दिमाग में इजिप्ट का नाम आता है, जहां पर स्थित गीजा का पिरामिड विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। इस पिरामिड को भी काफी रहस्यमय माना जाता है क्योंकि विशालकाय पत्थरों से इसे कैसे बनाया गया होगा ये अब तक कोई भी नहीं जान पाया है। अब ऐसे में सैटेलाइट इमेज में अंटार्कटिका में किसी पिरामिड का दिखना वाकई में रहस्यमय है। लेकिन साल 2016 में जब अंटार्कटिका का सैटेलाइट इमेज अपडेट किया गया था, तभी उस इमेज में कुछ ऐसा देखने को मिला जिससे हर कोई हैरान ही रह गया। दरअसल जब उस इमेज को देखा गया तब उसमें से कई जगहों पर बर्फ हटी हुई थी, और जब इसे और भी सटीक तरीके से देखा गया तब अंटार्कटिका में एक दूसरा पिरामिड दिखा जो कि ना जाने कितने सालों से बर्फ से ढका हुआ था। अगर हम इसकी साइज की बात करें तो ये इजिप्ट के पिरामिड के बराबर है, यहाँ तक कि इस पिरामिड का साइज टू साइज भी बिल्कुल बराबर है। इसके बाद थ्योरीज का कहना है कि अभी तो अंटार्कटिका में बर्फ है, लेकिन आज से ना जाने कितने सालों पहले यहाँ हरियाली हुआ करती थी। बड़े बड़े पहाड़ों से ये अंटार्कटिका बहुत ही सुंदर लगता था, लोग यहाँ पर अपना जीवन बिताते थे। इसके बाद लोगों का कहना है कि ये इतना सटीक और बराबर इंसानों के जरिए ही बनाया जा सकता है, लेकिन ये बनाना इंसानों के बस की बात नहीं है। ये पिरामिड दुनिया भर के सभी पिरामिड्स का एक पार्ट है जो कि एलियंस की मदद से बनाया गया था। कई थ्योरीज का ये भी कहना है कि इस पिरामिड को टाइप 7 सिविलाइजेशन वाले एलियन पावर्स को हार्नेस करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। वैसे दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगर ये पिरामिड नेचुरली बना है तो इतना परफेक्ट नहीं बन सकता है। इतना परफेक्ट पिरामिड तो कोई इंसान या एलियन ही बना सकते हैं, क्योंकि ये पिरामिड बहुत ही मेथडिकल तरीके से बनाया गया है, जिसे देखकर कोई भी कह सकता है कि ये नेचुरल तरीके से नहीं बना है। वैसे इस पिरामिड में कितनी सच्चाई है अभी तक ये वैज्ञानिकों को नहीं मालूम पड़ा है। वैसे दोस्तों, अंटार्कटिका और एलियन से जुड़ी ये जानकारी के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में लगे उस बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।